हेलो हाय गुड मॉर्निंग नमस्कार हम खम्मा गनी कैसे हैं आप सब। सो रिसेंटली हम लोग ऋषिकेश गए थे, ये वीडियो उसी के बारे में होने वाला है। और ये जो इंट्रो है मैं बाद में शूट कर रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग जा रहे थे ट्रिप पे तो मेरा सच व्लॉग बनाने का मन नहीं था। मेरा था कि हाँ मैं बस इंस्टाग्राम पे से थोड़े बहुत पोस्ट या स्टोरी वगैरह डाल दूंगा बस, इसलिए मैंने व्लॉग शूट नहीं करा, मतलब इंट्रो वगैरह कुछ कर बनाए। पर बाद में जाके मेरा ऐसा मन हुआ कि हाँ मुझे व्लॉग भी शूट कर लेना चाहिए, तो मैंने फिर वहाँ से व्लॉग चालू कर लिया। इसलिए मुझे ये इंट्रो जो है वापस से शूट करना, मतलब इसलिए जो इंट्रो है मैं बाद में शूट कर रहा हूँ। सो बस यही कहना था, बाकी आप वीडियो एंजॉय करो। तो यहीं पे पड़ी हुई थी रोड पे, मैंने उठा ली। आपको हंसते हुए दिखा दूंगा फिर अभी। मंकी कहाँ गए? ये रे, यहाँ से आ रहे हैं हम लोग और अब देखो कितनी दूर आ चुके हैं। स्वीप बस में एंटर कर चुके हैं। सामने ही सामने बैठा है मेरा भाई आशीष। हम मिलेंगे। अरे रे सीम, हम वही वृंदावन वाले हैं। मैक्स भैया, मदित भैया, सैंडी भैया, सो टाइम हो रहा है अभी, कितना टाइम हो रहा है भाई? 11:45 वी आर हियर। तो यहीं पे पड़ी हुई थी रोड पे, मैंने उठा ली। और ये मिली थी इनको रस मिल्क, सबसे पहला सिप इन्होंने लिया था। फिर इसने लिया, ये अभी ही मांग रहा है। पर मैं इसे दूंगा नहीं क्योंकि अच्छा लग रहा है मुझे। टाइम हो रहा है अभी 9:30 है ना। साढ़े नौ बजे ऋषिकेश पहुंचे नेपाली फार्म। अब लेते हैं टुक टुक होटल ढूंढते। तो गाइज़ अभी सीन ये है कि हम लोग होटल्स हंट कर रहे हैं और हमें होटल्स मिल नहीं रहे हैं। ये देखा है कि यहाँ से हम आते हैं देख रहे हैं। और बेस्ट चीज़ पता है क्या है, इस मौसम में बारिश आ रही है, धूप भी आ रही है और बारिश भी आ रही है, मज़ा आ रहा है। लेकिन बस ये मज़ा सजाना बन जाए इसलिए हम ढूंढ रहे हैं जल्दी से होटल मिल जाए बस। ये मेरे साथ आशीष है और वो लोग अलग अलग से गए हुए ढूंढने के लिए। ये है रूम, यहाँ है दो बंक बेड, ये है मैक्स भैया, बाकी सब लोग मैं जा रहा हूँ हगने। वेट मुझे रूम तो उसका दे दो, पहले हगने आपको हंसते हुए दिखा दूंगा फिर अभी। और यहाँ पे एक बालकनी भी है जहाँ से एक व्यू आता है बहुत बढ़िया। ज्यादा बड़ी बालकनी नहीं है, किस तरफ से खुलेगा ऊपर से। ये एक छोटी सी बालकनी है और यहाँ से हम आए थे। इसका ये व्यू है छोटा सा, चश्मा लगा लो क्या, एक सेकेंड। हमें आते हुए जो टाइम लगा वो लगा था 2 घंटे लग गए थे हम 9:30 पे, नहीं 10 o'clock बैठे थे हम, 10 बजे हम लोग बैठे थे टुक टुक में और हमें 2 घंटे लग गए थे, 12 बजे हम यहाँ पहुँचे। तो इतना ट्रैफिक यहाँ पर और इतना मतलब एग्जॉशन हो गया है सब लोगों को, सब लोग के मुँह से लटके हुए। ये देखो
बहुत दुखी हैं सब लोग बट फाइनली हमें रूम मिल चुका एंड बस किया है, सब लोग फ्रेशन अप होंगे उसके बाद फिर हम करते हैं सारी बात, एक बार फ्रेशन अप हो जाता है और क्या। नहीं बैठेंगे बालकनी में। सो अभी हम लोग ये रेडी होके एक वाटरफॉल है वहाँ पे जाने वाले हैं थोड़ी देर में एंड हम लोग पैदल ही जाने वाले हैं। हेलो गाइस, एक दो तीन चार पाँच। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीर वाटरफॉल के लिए और हम लोग अभी पैदल ही जा रहे हैं। ये देखो ये सारे के जा रहे और मैं चल रहा हूँ यहाँ पे। व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यार पहाड़ों का व्यू। मेरा केदारनाथ वाला सीरीज अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना, वहाँ पे मैंने बहुत सारे जो मेरी पूरी जर्नी रही है वहाँ पे बहुत सारे व्यूज दिखाए पहाड़ों के। और बाकी हम लोग पैदल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें टुक टुक नहीं मिल रहा है, अगर मिलता हो तो जाते और अगर बर्ड फ्लू होता तो जाते। मैप हमने लगा लिया है, ये मैप लगा लिया है और जा रहे हैं हम लोग अभी। यहाँ से रास्ता दिखा रहा है अभी 45 मिनट्स, 2.8 किलोमीटर्स के लिए दिखा रहा है 45 मिनट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और अभी टाइम जो हो रहा है, टाइम मैं दिखा दूँ आपको, 9:16 हो रहा है। इट्स मतलब कि हमको वहाँ जाने जाने में 5 बज जाएंगे। कुफली खा लो दोस्तों, कुफली रबड़ी विंडू बाते दबाओ, रबड़ी में तो डुबाओ। नेट भी चल रहा तो अभी हमने कुल्फी ली उन भैया से, वो दूर भैया दिख रहे हैं ना, हम भी उन दूर आगे से लिया पहाड़ों पे। पहाड़ों पे जो मिले खा लो, वेजिटेरियन वेज। और अभी हमें इतना आगे जाना है, ये पूरा पूरा घूम के और आगे उस पहाड़ के पीछे, ये जो पहाड़ दिख रहा है इस पहाड़ के पीछे। रोड पे दिखे हमको बहुत सारे के बीच में, ये ज़ूम करोगे थोड़ी सी दूर और है और ये दो लोग और हैं, एक ये वाले अंकल हैं और एक वो वाले अंकल हैं, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं पर पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, बस जा रहे हैं। यहाँ से अब नीर वाटरफॉल के लिए जो रास्ता निकलता है ये मेन रोड रह गया, यहाँ से हम लोग आ रहे थे और अब हमें जाना है इस तरफ। सो यहाँ से अब हम ऊपर जा रहे हैं नीर वाटरफॉल के लिए और ये रास्ता पूरा ऊपर जा रहा है, ये रास्ता पूरा ऊपर जा रहा है, यहाँ से हमें ऊपर जाना है। हाय हाय मज़े आएंगे। अच्छा एक गेट भी है यहाँ पे, इस गेट पे देखते कुछ लिखा हुआ है। एक सेकेंड भैया आ गए आने दो, नहीं कुछ नहीं लिखा है, ऊपर पहुँच के मिलते हैं। सो ये ऊपर तक हम पहुँच चुके हैं और अब जा रहे हैं यहाँ पर टिकट लेने के लिए। ये रे टिकट कंडो, 5 लोग हैं, 5 टिकट लेंगे। टिकट का आप देख लो ये लिखा है पूरा और ये तो ये ऐसी टिकट है, ये टिकट मिलती है। हाँ अडल्ट हैं तो अडल्ट के 30 रुपये एक जने का, हम लोग 5 हैं तो 150 रुपये की टिकट है ये। अभी और ऊपर जाना, और आज वीकेंड चल रहा है ना, आज सैटरडे तो उसकी वजह से और ज़्यादा रश है, और ज़्यादा भीड़ हो रही है, इतनी ज़्यादा कार्स और सब लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स लेकर आ रखे हैं ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और अभी हम ऊपर जा रहे हैं म्यूज़िक सुनते हुए। ये जो गाड़ियाँ दिख रही हैं ना आपको कितनी सी दिख रही है गाड़ियाँ। और अभी हमें अभी और ऊपर जाना है, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का और ट्रैक बचा है, ज़्यादा नहीं है बट हाँ पहुँच जरूर जाएंगे। ये दिख रहा है ये पूरा रास्ता, ज़ूम करके दिखा, ये वाला पूरा रास्ता भी ऊपर जा रहा है। और अभी हमें है यहाँ पे, ये जो वाटरफॉल दिख रहा है ना आगे, ये आई गेस यही वाला है। और अभी हम लोग हैं यहाँ पर, इसमें दिखाई भी नहीं देगा, ज़ूम करके दिखा, तो
तो अभी इतनी दूर और है और रास्ता ये है। तो अभी वाटरफॉल से पहले रुक गए हम और भैया को बोला नींबू पानी बनाने के लिए। ये सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम सब बस नींबू पानी आते ही उसको पी करके फिर वापस वहाँ ऊपर जाएंगे। तो ये आ चुका है हमारा, पी के बताते हैं कैसा लगता है, कैमरे के सामने करना पड़ता है यही बताएंगे यही। सो ये है यही सीक्रेट वाटरफॉल जहाँ पे हमें पहुँचना था, और यहाँ पे एक पुल बन रहा है, यहाँ से जाने दे रहे हैं। और जिसको अभी ऊपर जाना है ना, और तो ये रास्ता जा रहा है ऊपर, वो पूरा ऊपर और ऊपर, बट हमें जाना पड़ेगा इस पानी में सो करके। और हम सोच रहे जाए या नहीं जाए, क्या किया जाए, वो तो पहुंच भी गया और आज ही पहुंच गया। तो अभी हमें जाना है इस पानी से वहाँ ऊपर, और इस तरीके से जाया जा रहा है, देखो मैं खुद ऐसे जा रहा हूँ अब भाई रखना पड़ेगा फोन अंदर। एक व्यू पॉइंट यहाँ पर ये है जो पानी रुका हुआ है, एक वो नीचे था अगर मैं यहाँ से दिखा पाऊँ तो, ये रहा ये नहारे, और एक है ये रहा। तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके, एक ऊपर भी पॉइंट है जो यहाँ से होता हुआ जाता है। तो क्या ऊपर चले, ऊपर चले नहीं, हम तो लास्ट टाइम इससे ऊपर नहीं गए थे, एक बार चलते हैं ना, वो लोग भी जा रहे हैं। चल, और इस ट्रैक को देख कर भाई मुझे जो मैंने केदारनाथ ट्रैक किया था उसकी याद आ गई। इतना हार्ड भी नहीं है, बट यस आपको ट्रैक तो करना पड़ेगा जैसा कि दिख रहा है वो नीचे तक। अब यहाँ से शायद गाड़ियाँ हाँ दिख रही है, ये देखो ये वाटरफॉल का जो स्टार्टिंग है, और इससे भी हम नीचे से आए। ये देखो एक पॉइंट और दिखा है, सिमिलरली यहाँ पे कोई है नहीं, बस यही है। अच्छा ऊपर है एक व्यू पॉइंट है, वहाँ पहुँच कर ही बताता हूँ। सो एक ये तीसरा पॉइंट देखने के बाद वी हैव डिसाइडेड कि हम अभी और ऊपर जाएंगे। वो तीन लोग नीचे रुक गए, मृत भैया, सैंडी भैया और मैक भैया, मैं और आशीष हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर और अच्छा व्यू आएगा। और ये देखो रास्ते, मुझे लग रहा था कि इसके ऊपर रास्ता नहीं है। तो भाई ऐसे हमने पांच पॉइंट देख लिए, ये चौथा था। अगर लाइन से दिखाऊं तो वो थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, और इससे ऊपर एक और है, वो लोग भाग जा रहे हैं। अरे ब्रिज भी बनाए वहाँ पर, वहाँ चलते हैं। तो ये है लास्ट, मतलब सिक्स नंबर का पॉइंट जहाँ पर ज़्यादा भीड़ दिख रही है मुझे, और यहाँ पर ये चेंजिंग रूम भी कुछ बना हुआ है। बाकी यहाँ पर सारे पॉइंट दिखते हैं, अगर मैं दिखा पाऊँ एक ही रहा वहाँ पर, और वो रास्ता है वहाँ से। एक सेकेंड, ये रूम क्या है, देर में गर्मी ज़्यादा क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। मैंने हाथ धोए थे तो मुझे पता चला। क्या हुआ, जाएगा है? क्या कहना चाहोगे आप इस वाटरफॉल के बारे में, कैसे व्यू, कैसे? बहुत अच्छा है ना, बहुत ऊपर से आ रहा है। मैगी व्यू सोचना चाहिए भाई, इतना गलती मत करो, ठीक है? हम लोग कर जा रहा था, तभी तो मैं भाग के आया। तो एक दिन का कितने चार्ज करते हो भैया? एक दिन का 45 चार धाम जाते हैं। अच्छा, चार धाम कौन कौन से? यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। अच्छा, तो केदारनाथ तो एक दिन में हो ही नहीं पाएगा ना? नहीं, एक दिन में नहीं हो पाता है, 9 दिन का प्रोग्राम होता है चारों धाम का। ये लाल कलर का जो दिख रहा है ये 13 मंदिर। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम सब नील वाटरफॉल से, ये सब यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, सब थके हुए हैं, एक जना वॉशरूम में है,
सुनील भैया और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। उसके डस्ट हो गए, उसके डस्ट हो गए इसलिए वो पहुँच ही गया है। उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था इसलिए पहुँच ही नहीं बैठा है। और अभी हम खाने का देख रहे हैं तो सब खाना ऑर्डर करके आपसे मिलते हैं। टाइम क्या हो रहा आशीष? टाइम तो भाई रात के हो रहे हैं 11:30 और अभी हम जा रहे हैं खाना लेने के लिए क्योंकि हम मार्केट में घूम रहे थे बिना मतलब। तो अब खाना लेकर आते हैं, खाना खाएंगे, उसके बाद सोएंगे और फिर सुबह जल्दी उठना है क्योंकि फिर सुबह जहाँ पर भी जाने वाले हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो भाई खाना लेके हो गया है, अब खाना लेके जा रहे हैं हम होटल और वहाँ पे खाएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग अशेरा उठ राधे राधे उठ। आई उठ गया भाई, उठ गया यार, उठ गया। ये उठ चुके और ये भैया सो रहे। सैंडी भैया उठो पीस आउट बोल दिए। आशीष चाय चाय है, ये देखो उसको ऐसे पड़ा हुआ है। क्या बोल रहा है चाय के लिए? ठंडी हो जाए तो ठंडी चाहिए सर, इतनी भी गर्म नहीं है। तो रात को गए हम सो गए थे खाना खा के एंड अभी उठे हैं जस्ट, तो अभी कॉफ़ी वॉफ़ी मंगाई सबके लिए। ये मेरी कॉफ़ी है, ये सबकी रखी है और ये सब इन्होंने चाय मंगाई है, चाय कॉफ़ी सब मंगाई है। बाहर बैठ के इधर बालकनी में चाय पी रहे हैं। जस्ट अभी उठे हैं, फ्रेशन अप होंगे और फिर हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन कह लो या पॉइंट कह लो वहाँ जाने वाले हैं और उसके बाद फिर दूसरी जगह जाएंगे। आज बीटल्स आश्रम का भी है तो बीटल्स आश्रम भी जाने वाले हैं। वहाँ पर कैसा क्या रहने वाला है, पहली बार जाएंगे तो जैसा भी होता है बताते हैं।